अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सना हेल्दी लाइफ। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ये सेवैयाँ बनाने की रेसिपी है, लेकिन ये एक ट्विस्ट के साथ है। हमने इसके साथ कुछ इनोवेशन किया है। इनोवेशन हमारी ये है कि हम इसको रस मलाई के साथ बना रहे हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 टेबल स्पून के करीब जो है इसमें घी ऐड किया है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ करते हैं। अब इसमें हम हल्का सा इसको सॉटे करेंगे अपनी जो सेवइयों को। और ये हमने हाफ पैकेट लिया, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का सेवइयों का पैकेट यूज़ कर सकते हैं। हमने घी या ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि ये अच्छे से सॉटे हो जाए। यूँ कर सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसके अंदर जो घी ऐड किया है वो बराए नाम ही ऐड किया है, ताकि अच्छे तरीके से जो है इसमें हम इसको भून सकें। इसको अच्छे से हमने लो फ्लेम पे ब्राउनिश फॉर्म में लेके जाना है। बहुत ज़्यादा ब्राउनिश में नहीं, लाइट ब्राउनिश फॉर्म में लेके जाना है। जी तो व्यूअर्स, आप यू कर सकते हैं कि जो हमारी सेवइयां हैं ये लाइट गोल्डन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें हम 1 लीटर जो दूध है वो ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून जो है सब्ज़ इलायची का पाउडर। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, इनको अब हम जो है मीडियम फ्लेम में बनाएंगे और बीच बीच में चमचा जो है अपना कफगीर हम चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। सेवइयों में शुगर बिल्कुल ऐड नहीं की। जब हमारी सेवइयाँ हाफ कुक हो जाएंगी हम फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। हमारी जो सेवइयाँ ये हाफ डन हो चुकी हैं, हाफ कुक हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें शुगर जो है वो ऐड कर रही हूँ, अबाउट 6 to 7 टेबल स्पून। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ आई विल मिक्स इट। नाउ इट्स डन एंड इट्स रेडी। अब हम इसे कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिश आउट इट एंड असेंबल इट विद आवर रस मलाई, जो कि हमने अपनी रस मलाई बनाई है उसके साथ हम इसे असेंबल करेंगे। और अभी हमें वेट करना है कि इसकी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन हो जाए। अपनी सिवाइयों को डिश आउट कर लिया है, अब हम करेंगे इसे असेंबल रस मलाई के साथ। जी तो व्यूअर्स, हमने अपनी सिवाइयाँ रस मलाई बनाकर जो है इस डिश को रेडी कर लिया है, और अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे और ठंडा करके यूज़ करेंगे। रसमलाई बनाने के लिए आपने परेशान नहीं होना, इसके लिए आप लजीज़ा की रसमलाई जो कि रेडी टू कुक है, आप बहुत जल्दी से बना लेते हैं झटपट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। डू ट्राई दिस रेसिपी। स्टे हेल्दी विद सना हेल्दी लाइफ। अल्लाह निगेपान।